गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ. टूडे आई एम हेयर टू टीच यू आर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3. सो लेट्स बिगेन नाउ. देखिए आप इसमें दिया है 10.3 में आपका था हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्वालेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल में कितने सिमेट्री हैं. ठीक है, हाउ मेनी लाइंस, कितने लाइंस, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन इक्वालेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल में कितने लाइंस, ठीक है, सिमेट्री के. अब तो आप ये देखिए इक्वल, ये देखिए आपका, देखिए आप लाइन सेगमेंट. ठीक है, ए लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये ओके, ये देखिए लाइन सेगमेंट में ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, उसके बाद एंगल, एंगल कह रहा है एन एंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ये आपका एंगल है, देखिए आपको ये एंगल है. ठीक है, ये एंगल बना हुआ है, इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कितना लाइन है सिमेट्री का, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए अभी देखिए इक्वालेटरल ट्रायंगल में ये वन आपका वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री, ये थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री. तो एन इक्वालेटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, तो आप राइट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर वन का ए, एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर वन का ए में द हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इक्वालेटरल ट्रायंगल है, थ्री, तो थ्री आपका हो गया. ठीक है, कितना हो गया, थ्री लाइन्स. उसके बाद बी, वन का बी देखिए, कहता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, कितना होता है, थ्री. ये भी आपका क्या होता है, थ्री. ओके, ये भी आपका थ्री. चलिए क्वेश्चन नंबर वन हो गया. क्वेश्चन नंबर टू, टू का थ्रू व्हाट डिफरेंट एंगल शुड ए रेक्टेंगल बी रोटेटेड टू बी एन सिमेट्रिकल पोजिशन विद द ओरिजिनल ओरिजिनल पोजिशन. तो आपका ये हो जाएगा 180 डिग्री और कॉमा 360 डिग्री. ठीक है, ये आपका हो गया. क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर गिव द एंगल्स ऑफ सच रोटेशन. ठीक है, तो थ्री में देखिए ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बन गया ना, ये चारों साइड इसके इक्वल टू है ये. ठीक, ये स्क्वायर हो गया आपका. ठीक है, तो कहता है इसमें कितने, कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज स्क्वायर, तो कितने होते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर होते हैं, कितना, फोर. उसके बाद कह रहा है ये गिव द एंगल ऑफ सच रोटेशन, तो कह 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री से होगा रोटेशन, फिर 180 पे पहुँचेगा, फिर 270 डिग्री, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री ही आपका हो जाएगा. ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा. उसके बाद नंबर फोर, नंबर फोर देखिए आप, नंबर फोर था हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज ए रोम्बस है, तो रोम्बस है में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, नंबर ए कितने, टू, टू होते हैं. ठीक है, उसके नंबर बी, नंबर बी का है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए रोम्बस. ठीक है, कितने रोम्बस होते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जीरो, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जीरो, नंबर बी, फोर का बी जीरो. नंबर फाइव देखिए आप, नंबर फाइव में कह रहा है, देखिए नंबर फाइव में कहता है राइट थ्री लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू. तो थ्री अल्फाबेट नंबर फाइव में आप देखिए, तो वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्या हैं आपके, हो जाएगा यच, यच आई और यन. ठीक है, राइट
थ्री लेटर्स थ्री एच आई एन, ठीक है एच आई एन, तो द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो एक इससे ये वन लाइन टू लाइन, वन लाइन टू लाइन, वन लाइन टू लाइन, ठीक है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑर्डर टू, तो ये आपका हुआ एच आई एन, ठीक है नंबर फाइव का एच आई एन। सिक्स नंबर देखिए, सिक्स नंबर का था गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फिगर दैट हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेलीज मतलब ट्रायंगल आइसोसेलीज, तो आपका ये एन आपको राइट करना पड़ेगा, ये जो दिया है आइसोसेलीज ट्रायंगल, ठीक है ये आपका हो गया, ठीक है यही होगा, क्योंकि देखो ये मतलब कि टू साइड आपका इक्वल टू है, ठीक है ठीक है। तो इसमें गिव एन एग्जांपल ऑफ फिगर दैट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यही होगा ठीक है। तो आपका ये होगा एन आइसोसेलीज ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद सेवन नंबर, सेवन नंबर आपका क्या है, सेवन नंबर कह रहा है डज एवरी ट्रेपेजियम हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसमें क्या राइट करेंगे सेवन में, डज क्या हो सकता है ट्रेपेजियम हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री एवरी में, प्रत्येक प्रत्येक समलंब में, ठीक है तो नो, इसका आंसर होता है नो, ठीक है ओनली आइसोसेलीज ट्रेपेजियम में वह ए लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, उसके बाद जितने भी हैं उसमें नहीं हो सकता, ठीक है एवरी ट्रेपेजियम में, ठीक है ओके। नंबर एट, नंबर एट आप देखिए, नंबर एट व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त मतलब आधा गोला, आधा गोला सेमी सर्कल मतलब ये आपका सेमी सर्कल मतलब आधा गोला, ठीक है डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो कह रहा है तो ये आपका देखिए नंबर एट, नंबर एट आप देखिए अपना नंबर एट, नंबर एट में आपका हो गया ये ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये आपका हो गया, ठीक है सेमी सर्कल ये बना आपका, ठीक है तो इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है इसका क्या होगा ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है तो आप राइट क्या करेंगे, तो ये क्या हो परपेंडिकुलर, ये क्या कौन सी लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है लंब ना परपेंडिकुलर, ठीक है तो आप राइट करेंगे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर समद्विभाज्य, मतलब बीच से काटता है ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर ओके ऑफ द डायमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट में कह रहा है डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री नो, तो आप राइट करेंगे नो, इसका क्या हो जाएगा नो, ठीक है आपके क्या डज है ये रोटेशनल सिमेट्री है, आप राइट करेंगे नो। व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री है सेमी सर्कल, तो आप राइट करेंगे परपेंडिकुलर, जो लंब है इसका ये अर्धवृत्त हो गया आपका सेमी सर्कल अर्धवृत्त, ये परपेंडिकुलर आपका बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर को बाइसेक्टर समद्विभाजित करता बीच से ना ये देखो, ठीक है तो आपका ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर। तो और उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि डज इट है रोटेशनल सिमेट्री नो, आप राइट करेंगे नो, नो डज है नो, ठीक है ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर वन से लेके एट तक, ठीक है इसको आप लोग अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 पॉइंट कुछ था नहीं बस इसको बताना था आपको, ठीक है इसकी जितना हमने बताया है इसको आप लोग नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।